वेलकम फिशिंग क्लब यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक हुक बेट और ये चार पांच हुक के लिए एक बेट बनाना चाहता हूँ। माशाल्लाह इसका रिज़ल्ट भी अच्छा है। बनाइए, मछली पकड़िए, फिशिंग कीजिए, चेक कीजिए, इसका रिज़ल्ट अच्छा है। जो भी बेट बनाकर डालता हूँ मैं, एक एक जगह पे एक एक बेट चलता है, क्योंकि हर जगह पे हर बेट चलना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जिस जगह पे फिशिंग करते हैं लोग, वहाँ दूसरा दूसरा टाइप का फिशिंग बेट हुक बेट खिला कर उसको आदत कर देते हैं मछली को। इसलिए जो भी बेट बनाता हूँ, एक से तीन बार चेक कीजिए, ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको फिशिंग होगा। ये देखिए, कामन कर रहू मिर्गल। अगर सिंगल हुक डबल हुक पे खेलेंगे तो इसका रिज़ल्ट मिलेगा आपको, कामन कर रहू मिर्गल। अगर ऐसे चार या पांच हुक पे खेलेंगे आप, इसको पूरा पैक करके खेलेंगे तो इंशाल्लाह कटला का रिज़ल्ट अच्छा है, आप ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि कटला एक दो हुक पे खाता बहुत कम है, उसे थोड़ा बड़ा आटा लगना चाहिए। इसको लगा दीजिए इंशाल्लाह ऐसा करके, तो रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। जो जो आइटम डालना है मैं आपको डाल के बताऊँगा, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले कॉर्न पाउडर, जिसको कॉर्न फ्लोर कहते हैं, कॉर्न पाउडर, मिल्क पाउडर, नारियल का डस्ट। अगर डस्ट नहीं है नारियल का तो आप घर में जो नारियल रहता है सूखा, उसको थोड़ा बारीक कर लीजिए, ऐसा बना लीजिए, ऐसा पाउडर बना लीजिए। उसके बाद मिल्क पाउडर, ये कॉर्न पाउडर है जो बताया आपको, कॉर्न पाउडर है। और ये सोया पाउडर, सोया मतलब सोयाबीन नहीं, सोया का बीज जो रहता है उसको क्रश ग्राइंडर में डाल लीजिए, पाउडर बना लीजिए। और ये गुलखंड, इस ये जो पान में डाल के खाते हैं, जो स्वीट पान में डाल के खाते हैं वो है ये। ये तो सब जगह पे मिलेगा। ये रोज़ का जो पत्ता रहता है, रोज़ का फूल रहता है, उसके साथ शहद में बनता है ये, देख लीजिए। इतना आइटम है, जो आइटम डालना है जैसे डालना है मैं बताता हूँ, ऐसे नोट कर लीजिए आप। चलिए दोस्तों, पहले एक ग्लास आप कॉर्न पाउडर लीजिए, कॉर्न फ्लोर, देखिए छोटा सा ग्लास है। इसके बाद मिल्क पाउडर, सोया बीज, बीज नहीं जो पलाव में डालते वो नहीं, सोया का जो बीज रहता है उसको ग्राइंडर में डाल लीजिए, पाउडर कर लीजिए। मैं जितना जितना डालता हूँ वो आपको बताने के लिए डालता हूँ, बस जैसे बनाना है वो बताने के लिए डालता हूँ मैं। आपको जितना चाहिए उतना बना सकते हैं आप। देखिए डाला मैंने नारियल का डस्ट, जो सूखा नारियल होता है उसको डाल दीजिए, आधा कप डालिए। मिक्स करिए दोस्तों, फिर एक चीज़ डालना है बताऊंगा मैं, वो जो लेमन रहता है नींबू, उसका ऊपर का छिलका, ऊपर जो छिलका रहता है छिलका डालिए। देखिए मैं काटा हूँ, ऊपर जो छिलका आता है नींबू का वो थोड़ा सा डालिए। ज़्यादा नहीं, थोड़ा काटिए, एक अगर नींबू लेंगे तो थोड़ा काटिए, उसमें डाल दीजिए। चलिए दोस्तों, मिक्स हो गया है ये, देखिए जो आइटम मैं बताया हूँ उसको मिक्स कर लीजिए ठीक से। उसके बाद मैं जो बताया आपको गुलखन, जो रोज़ के पत्ते में बनता है शहद के साथ, वो पान में डालते हैं। मिक्स कर लीजिए इसको। देखिए मैंने गुलकंद डाल दिया, जो बताया रोज़ और शहद में बनता है ये बनाकर हम घर पे बहुत दिन रख सकते हैं, मगर मैं तो शॉप पे रेडी लाया हूँ, मिलता है वो, इसको मिलाइए ठीक से।
दोस्तों ठीक तरह से मिक्स कीजिए इसको। बहुत सारे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स बोलते हैं सर जब हम पूरा बनाने के बाद में ज़्यादा चिपचिपाहट नहीं है, पानी में ज़्यादा देर नहीं ठहर सकता, क्या करें। तो इसे जितना आपको चाहिए उतना डाल लीजिए। अगर एक आइटम भी आप ज़्यादा करिए कम कर दिए ना तो ये प्रॉब्लम आती है। चुपचुपाहट देखिए अभी भी इतना है, अभी मिक्स कर रहा हूँ मैं। मिक्स ठीक तरह से करके एक अंडा एक एक डालिए, एक अंडा डालिए, ये पहले ग्लास में डाल लीजिए। या कोई ग्लास जो भी हो एक चीज़ में किसी में डाल लीजिए। मैं तो ग्लास में डाला था, ग्लास छोटा हो गया है इसलिए इसमें डाल रहा हूँ। जैसे आमलेट को डालने के लिए मिक्स करते हैं ऐसा ठीक तरह से मिक्स कीजिए इसको। देखिए दोस्तों ये जितना चाहिए आपको, जितना जितना ज़रूरत पड़ेगी उतना अंडा डालते जाइए। ज़्यादा डालेंगे तो आपको चुपचुपाहट कम मिलेगी, जितना ज़रूरत पड़ेगी। बस ठीक तरह से मिक्स करना पड़ेगा इसको, थोड़ा वक्त लगेगा। देखिए दोस्तों वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि जो चीज़ मैं डालता हूँ जो बताता हूँ वो आपको समझ में नहीं आती, एक चीज़ दो चीज़ कम हो जाती है, आप फिर बाद में पूछते हैं। इससे अच्छा है कि आप वीडियो एंड तक देख लीजिए। देखिए थोड़ा लेमन नींबू जो था उसको थोड़ा, मतलब जितना मैं बताया हूँ उसे एक साइड डाल दीजिए बस। अगर चुपचुपाहट कम हो गई तो आप थोड़ा कॉर्न पाउडर डाल सकते हो। थोड़ा नरम हो गया तो थोड़ा कॉर्न पाउडर डाल सकते हो आप, डालिए कुछ प्रॉब्लम नहीं क्योंकि नरम होता है, थोड़ा डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ज़्यादा नहीं। अगर चुपचुपाहट कम हो गई नरम हो गया तो एक काम कीजिए, जब बनाते हैं थोड़ा अंडा कम डालिए। मिक्स करता हूँ दोस्तों, मिक्स करना है थोड़ी देर के लिए। दोस्तों अजान हो रही थी इसलिए वीडियो पॉज किया था। देखिए अगर चुपचुपाहट कम होगी, हुक पे नहीं लग रहा है तो आप थोड़ा कॉर्नफ्लोर मिक्स कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। और ये हुक बाइट भी, और जो कटला के लिए जो लोग चार पांच हुक पे खेलते हैं उस पे डाल सकते हैं आप, जितना आपको चाहिए उतना डाल सकते हैं। देखिए जैसा आप करना चाहते हैं डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ऊपर से डालिए होशियार से दोस्तों, क्योंकि हुक बहुत शार्प रहता है। पैक हो गया, क्योंकि कटला छोटा सा आटा नहीं खाता है। जितना आप डालना चाहते हो डाल सकते हैं, इंशाल्लाह कटला का भी रिजल्ट है इस पे। देखिए चारों हुक पे बैठ गया, जैसा आप इधर हुक बन के डाल सकते हैं तो डालिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं, बहुत घटपटता है। देखिए और सिंगल हुक पे जैसा बॉल बना के आप डालते हैं वैसे ही बाल बना के डालिए सिंगल लुक पे। ये दो कलर कर सकते हैं आप, एक नॉर्मल जैसे मैं बनाया एक वो कलर,
और एक कलर ऑरेंज। ऑरेंज मछली का बहुत पसंदीदा कलर है। ऑरेंज और ये जो कलर बनाया हूँ बहुत पसंदीदा कलर है, बहुत ज़्यादा पसंदीदा कलर ऑरेंज है रोहू मृगल के लिए। आप एक काम कीजिए, ऑरेंज कोई भी ऑरेंज कलर ले लीजिए, वो अंडे में मिक्स कीजिए, थोड़ा उसमें जो अंडा में बना के रखा था वो डाल के मिक्स कीजिए, पानी मत डालिए। देखिए ऑरेंज कलर दो कुछ नहीं, ठीक तरह से मिक्स कीजिए दोस्तों। अगर नरम हो गया, ज़्यादा पतला हो गया तो थोड़ा कॉर्नफ्लोर अब मिक्स कर लीजिए। बस कलर हो गया हाथ, देखिए दोस्तों ऑरेंज भी हो गया और नॉर्मल मैंने जो बनाया वो भी हो गया। हुक बाइट जैसे मैं बताया वैसा करते जाइए। अब एक बार बताता हूँ क्या चीज़ डालना है उसमें। 100 ग्राम कॉर्नफ्लोर डालिए, कॉर्नफ्लोर, सोया बीन्स का क्रश किया हुआ आटा, क्रश करके डो डालते हैं ना, बताया था मैंने आपको, क्रश करके डालिए। और नारियल का डस्ट, जो सूखा नारियल रहता है घर में उसका डस्ट काढ़िए। और मिल्क पाउडर, जो दूध बनता है पाउडर वो डालिए, अंडा डालिए और लेमन का ऊपर का छिलका, और इसमें आधा लेमन। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, मैं डिटेल बताऊंगा। इसका रिज़ल्ट अच्छा है, चेक कीजिए, मछली पकड़िए दोस्तों। लाइक कीजिए वीडियो, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जैसे ही वीडियो बनाकर डालता रहूँगा आपको अच्छी जो बाइट डालता हूँ उसका अच्छा रिज़ल्ट मिले इंशाल्लाह। कोशिश कीजिए दोस्तों, शुक्रिया, थैंक यू।